मेरा नाम जी डॉक्टर अली अरशद है एंड आई एम मेडिकल डॉक्टर आई एम अ चाइल्ड फिजिशियन और एफ सी पी एस मैंने किया विच इज़ द हाइस्ट डिग्री ऑफ पाकिस्तान इन दिस डिसिप्लिन और करंटली मैं पोस्टेड हूँ uh, अठारहवें स्केल पे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में जो मेरा डिपार्टमेंट है वो स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके अलावा जिस तरह हर डॉक्टर का एक वो साथ होता है कि डॉक्टर बनने के लिए एक इमीजिएट ये था कि अपना एक क्लिनिक हो तो छोटा मोटा सा एक सेटअप भी है और सा वो भी चल रहा है तो आ, ये है मेरा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन और आ, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा स्टार्ट करते हैं एक सवाल से ठीक है उसके बाद हम आगे चलेंगे कि के कैरियर के अंदर हम मेडिकल प्रोफेशन को किस तरह से लेके चल सकते हैं इंटरमीडिएट के बाद हमें कौन कौन सी राहें हमारे पास हैं और चलते हैं ठीक है जी सो so, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो ऑडियंस है वो सब इंटरमीडिएट ग्रेजुएट्स हैं या किस किस मुझे बताइएगा कि इंटरमीडिएट फ्रेश ग्रेजुएट्स कौन है हाथ खड़े कीजिएगा प्लीज़ ओके okay, ठीक है और इसमें से आ, कुछ प्री मेडिकल के भी हैं प्री मेडिकल किन किन ने किया हुआ अच्छा ठीक है ओके ऑलमोस्ट जो इंटरमीडिएट ग्रेजुएट्स फ्रेश हैं हमारे पास उनमें से तकरीबन सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ने किया हुआ है और जो बाकी हैं हमारे वो क्या बैचलर्स हैं बैचलर्स भी हैं यहाँ पे जिन्होंने बैचलर किया हुआ या क्या मतलब किस किस फील्ड से हैं एक तो फ्रेश ग्रेजुएट्स हो गए कुछ बैचलर्स हैं हाथ खड़े हो रहे हैं इसके अलावा कुछ मेरी तरह के सीनियर सिटीजन भी यहाँ पे मौजूद हैं ठीक है तो आप लोगों में से हम स्टूडेंट्स कितने लोग हैं ये बताइए ओके मोस्टली स्टूडेंट्स हैं ठीक है ठीके. और जॉब पे जो हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं वो कितने लोग हैं ठीक है। मेडिकल right, प्रोफेशन से किन किन का ताल्लुक है या जो एस्पायर करते हैं मेडिकल प्रोफेशन में जाने के लिए ओके okay. मेडिकल में वैसे कम ही लोग ज्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं जाने में इसके लिए खास माइंडसेट की जरूरत है उस पर भी डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है ओके okay जी ठीक है जी थैंक यू वेरी मच तो जब एक लड़का या एक लड़की पैदा होती है तो उसके बाद माँ बाप अपने घर से उसकी तदरीस का आगाज करते हैं और उसके बाद उसको बताया जाता है कि जी आपने इस फलानी एज के ऊपर स्कूल चले जाना है जब हम स्कूल गोइंग हुआ करते थे उस जमाने में फोर ईयर्स एज हुआ करती थी अब तो थ्री प्री नर्सरी के जी पता नहीं क्या, क्या क्या क्यों स्टार्ट हो गया तो वहीं से उसकी ग्रूमिंग का स्टार्ट होता है कि जी अब आपने स्कूल जाना है और स्कूल के बाद आपने इंटर करना है इंटर के बाद आपने अपने अपने कैरियर में चले जाना है तो चाहे आप मेरे ज़बाना तालब इलमी उठा लीजिए या अब भी उठा लीजिए टॉप के जो दो प्रोफेशन सुने जाते हैं वो यही हैं एक इंजीनियरिंग है और एक एम बी बी एस डॉक्टर है ठीक है जी मगर अब रिसेंट टाइमिंग्स के अंदर ये पिछले दस से पंद्रह सालों के अंदर ये दो फील्ड्स ही नहीं सिर्फ रह गई और भी बेशुमार फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं जब हमारा जमाना तलब इलमी हुआ करता था उसमें सिर्फ एक बात होती थी कि प्री मेडिकल कर लिया फिर आपने एम बी बी एस किया या बी डी एस किया खत्म प्री इंजीनियरिंग कर ली तो उसके बाद आपने सिर्फ इंजीनियरिंग की फील्ड अपनाई और उसके बाद दैट्स इट या फिर आपने जो है वो कॉमर्स के साथ कर लिया या आपने कंप्यूटर साइंसेस कर लिया और उसके बाद आपकी आईटी की फील्ड हो गई इट और कॉमर्स वाले जो थे वो फाइनेंशियल फील्ड में चले जाते थे तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था अगर हम आ, जो आज का हमारा टॉपिक है अगर उसके ऊपर रहे अगर एक बच्चा आया उसने आके एवल्स किए या मैट्रिक किया उसके बाद उसने किसी ना किसी तरह इंटर में आ गए इंटर उसने एफएससी प्री मेडिकल के अंदर किया अब उसके बाद उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सो so, uh, आप में से कोई बता सकता है दो तो मैंने बता दी और क्या क्या है पहले ज़रा नॉलेज का ज़रा थोड़ा सा एक वो ले लें एक ओवरव्यू उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर मजीद हम ब्रश अप क्या कर सकते हैं हो सकता है आप लोग पहले से ही लर्नर हो आपको पता हो रिसर्च की हो आप लोगों ने जी एफ एस सी प्री मेडिकल हो गया उसके बाद एक तो डॉक्टर बन जाएंगे ठीक है जी इस पर कौन कौन एग्री करता है कि एक डॉक्टर बन जाएंगे एम बी बी एस में एडमिशन हो जाएगा नंबर वन नंबर टू बी डी एस में एडमिशन हो जाएगा ये दो ही हैं आपकी टॉप की फील्ड जो हैं जो अभी तक सुनी है आपने इसके अलावा किसी फील्ड के बारे में सुना हुआ है आपने दैट्स वेरी गुड डी फार्मेसी एंड डीपीटी ये दो मुख्तलिफ मुख्तलिफी होगी चार होगी हमारे पास मोटी मोटी पॉपुलर फील्ड वेरी गुड शाबाश बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकता है बंदा ठीक है तो फाइव टॉप मोस्ट पॉपुलर हमारे पास ये फील्ड होगी और एम एन टी भी हो सकता है ठीक है और जी वहां से किसी जोआलॉजी और बात की थी ओ टी टेक्नोलॉजी ठीक है और केमिस्ट्री ठीक है आप बैचलर्स और मास्टर्स की तरफ आके अगर आप उस तरफ जाना चाह रहे हैं आप केमिस्ट बनना चाहते हैं या आप बॉटनिस्ट बनना चाहते हैं हैंजिस्ट बनना चाहते हैं वो भी फील्ड है और वो शोबा तदरीस में आ जाता है आप कॉलेज और इसमें आप जाके एक अच्छे उसमें आ सकते हैं जी और ओपन अब ये देखें एन ओपन फोरम यहां आके अगर मैं तकरीर करके चला जाऊंगा फायदा नहीं उसका तो इंटरेक्शन में मैं भी सीखूंगा आप भी सीखेंगे जी साइकोलॉजिस्ट ठीक है साइकोलॉजिस्ट भी हो गया ओके फूड साइंसिस वेरी गुड शाबाश ये किसने बोला है आपने शाबाश बेटे वेरी गुड फूड साइंटिस्ट भी है सो एफ के बाद देखें 10 से 12 फील्ड्स तो आपने गिना दी ठीक है तो बारी बारी सबका ब्रेकअप कर लेते हैं जिस तरह प्री मेडिकल है इसमें एक स्टीरियो है कि एम किया मेल्स ने अपना क्लिनिक सेटअप किया और फीमेल्स ने एम करके शादी कर ली अच्छा रिश्ता मिल गया ठीक है ये स्टीरियो है तो इसको हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं जिस तरह तमाम फील्ड्स हैं आपकी आप कोई भी क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं उस क्वालिफिकेशन के बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं या तो अपना काम कर लें या आप जॉब कर लें वट आई बिलीव वट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज दैट मेडिकल की फील्ड चाहे वह एम बी बी एस है चाहे बी डी एस है या कुछ भी है और रिसेंट टाइम्स ने जो कोविड के टाइम्स हैं ये इसने इस चीज की सनत भी दी है कि यह एक मेडिकल फील्ड वाहन है जो डायरेक्टली लिंक करती है लाइफ को और जब तक लाइफ है इसके अंदर रिसेसन नहीं आ सकती तो पहली बात तो यह है कि अगर आप हेल्थ के किसी शोबे के साथ आते हैं तो रिसेशन नहीं है उसमें जब तक लाइफ है मामलात चलते रहेंगे चाहे इंडस्ट्रीज बंद हो जाए जो मर्जी बंद हो जाए आपकी जिंदगी है तो चीजें चलती रहेंगी तो यह बात तो एक फैक्ट है कि यह एक ऐसा आपका कह लीजिए कि इन्वेस्टमेंट प्लान है कि जिसमें आप आगे चल के आपको रिसेशन का मिनिमम चांस है तो पहली बात तो यह है तो जारी सी बात है जब रिस्क फैक्टर कम होगा तो मेहनत ज्यादा होगी तो मेहनत में इसका मेरिट जरा हाई है ठीक है इंजीनियरिंग से जरा थोड़ा सा कम है क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स आ जाता है इसमें बायोलॉजी है तो जरा आपको थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है इसमें हल्का फुल्का सा बहुत ज़्यादा भी नहीं है हमारे ज़माने में जब लॉन्ग एसेट टाइप क्वेश्चन हुआ करते थे तो फिर तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता था ऑलमोस्ट ग्यारह सौ में से हमारा जो 750 स्कोर कर लेता था वो बहुत अच्छे नंबर समझे जाते थे 700 प्लस अगर मेडिकल में आ गया बहुत अच्छा समझा जाता था और 750 के ऊपर इंजीनियरिंग टॉप मोस्ट यूरिटी के अंदर आपका एडमिशन हो जाया करता था और जितने पब्लिक के आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें सेवन प्लस का पक्का था फिर uh, जब मैंने किया मैंने मैट्रिक किया 1999 के अंदर उसके बाद 2000-2001 के अंदर मैंने एफ की तो दैट वाज द थर्ड बैच जिसमें एंट्रेंस एग्जाम आया था अब तो एंट्रेंस एग्जाम भी उसकी भी शक्ल जरा डिफरेंट हो गई हुई और आपका एफ भी जो है वो उसके के पैटर्न के ऊपर आ गया एम आई राइट ऐसे ही आजकल ठीक yes. है तो इसमें स्कोरिंग का चांस आपका बहुत हाई चला जाता है और आप जब तक बहुत हाई हजार या इससे ऊपर स्कोर नहीं करते आप क्वालिफाई नहीं करते टॉप टू थाउजेंड के अंदर आप आते ही नहीं है तो ये कुछ डलैमज हैं मगर वो वही बात है कि ये एक आपका ऐसा प्लान है कि अगर आप मेहनत करके एक अच्छी पोटेंशियल एनर्जी के साथ आते हैं और आप हाई स्कोर कर लेते हो तो रिसेशन का चांस कम है अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं और अपना काम आप शुरू कर सकते हैं कैसे जी एम को लेते हैं आ, मैंने एम क्यों किया आ, मुझे मेरे आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पुश नहीं किया था कि आप जाओ डॉक्टर बनो ये करो वो करो आ, हमारे ज़माने में अकेडमीज़ का बहुत रिवाज हुआ करता था अब भी है मेरे ख्याल में ऐसे ही है तो जब हमारा नॉर्मल सेशन स्टार्ट होना होता था उससे तकरीबन छः से सात माह पहले एक अकेडमीज का प्रेपरेटरी सेशन स्टार्ट हो जाता था फायदा ये होता था कि जब हम अपने कॉलेजेस में जाया करते थे तो उसमें हमने कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज हमारे पास होती थी मगर उसको एज अ टेस्टर यूज किया गया मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स ने मेरे कुछ से बात की कि जी ये लड़का ठीक है शुरू से ठीक चल रहा है तोज्जो देता है नंबर अच्छे आ गए हैं और ये चाहता है कि अगर डॉक्टर बन जाए तो क्या इसमें वो कहते जी अगर ये चाहता है तो इसको प्रस्यू करने दें आपने कुछ नहीं कहना इनको कि आप बेटा ये करें वो करें अच्छा उस जमाने में मैं मैट्रिक में था मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने कहा अच्छा चले ठीक है सारी जिम्मेदारी मेरे पर डाल दी मेरे पास तो कोई वो नहीं है अगर मेरा ये डिसीजन कि मैंने एम करना है वो अगर गलत साबित हो गया मैं ना क्वालिफाई कर पाया तो फिर क्या होगा एक नेचुरल एंगजाइटी आती है मगर कोई बात नहीं अल्लाह के फजलो करम से वो डिसीजन सबसे राइट डिसीज़न था फॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें मेरा रास्ता तो सीधा हो गया क्वालिफाई कर गया एम बी बी एस कर लिया और अल्लाह के फजल करम से डॉक्टर भी बन गए हमारे यहाँ पे जो बेसिकली जो चीज़ करियर काउंसलिंग है ना वो आ, अगर आप विलायत जाए या बाहर के मुल्कों में जाएँ तो वहाँ पे स्टार्ट ऑफ द स्कूल आपको एक करियर काउंसलर होता है जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक बता देता है मेरे सिनारियो के अंदर मैंने अपना इंटरेस्ट जाके अडॉप्ट किया मैट्रिक और उसके बाद एफ एस सी एन आगे फिर मैं चल पड़ा ओके सो एम बी बी एस में अगर आप करते हैं आप बहुत अच्छा चलते हैं तो टॉप मोस्ट मेरिट आपका एम बी बी एस का एम बी बी एस में आपकी जॉब एज अ हाउस ऑफिसर लगती है स्टार्ट में वो आपकी इंटर्नशिप है अब तो वो भी पेड हो गई हुई है हमारे जमाने में वो भी ऑनर हुआ करती थी कुछ कुछ जगहों के ऊपर और बहुत कम जगह ऐसी थी जहां पे आपका पेट so, आपकी वहां होगी और फिर MBBS के बाद आपके एक एक से भी अपने का स्टार्ट कर BDS के अंदर जब आप आते हैं जॉब सिक्योरिटी है। इसके अंदर भी बहुत है क्योंकि डेंटल कॉलेजेस उस जमाने में डिमांड और एक मुल्तान में हुआ करता था जब मेरा टाइम था क्वालिफाई करने का अब तो सीएमएच में भी खुल गया है, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जो कि आपके पास डाइवर्सिटी बढ़ गई हुई है इसमें सिर्फ एक बात है कि अगर आपने जॉब करनी है फिर तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है मगर अगर आपने इसमें अपना काम स्टार्ट करना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए क्योंकि इसमें मशीनरी रिक्वायर्ड है इसमें आपको मिनिमम एक सीट चाहिए उसके बाद डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं फिर एक आपको प्रॉपर एक उसका चल तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए बाहर मगर इसमें भी आप दोनों चीजें जो है वो परस्यू कर सकते हैं जॉब भी एंड अपना काम भी साइकोलॉजिस्ट में आ जाएं तो साइकोलॉजिस्ट में दो वाइफरकेशन हैं एफ एस सी की हुई है आपने प्री मेडिकल के अंदर उसमें आप क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ भी जा सकते हैं और साइकोलॉजी की तरफ भी जा सकते हैं साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी अगर मैं सम करना चाहूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो मैं चाह रहा हूँ कम टाइम के अंदर मैक्सिमम आपको इंट्रोडक्शन मिल जाए साइकोलॉजिस्ट का काम होता है काउंसिल करना बताना और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो काउंसलिंग भी करता है और थेरेपीज भी करता है Uh, थोड़ा सा ग्रे जोन आता है जिसमें ये दोनों आपस में मर्ज कर जाते हैं और कुछ uh, थेरेपीज जो हैं कुछ बेसिक लेवल की थेरेपीज साइकोलॉजिस्ट भी कर सकता है जैसा कुछ रिलैक्सिंग थेरेपीज होती, होती है कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं आपने नेट पर सर्च किया होगा आपको पता होगा मगर क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो इस चीज़ की सन्द है कि आपको हॉस्पिटल अपने पैनल के ऊपर ले लेगा और आप वहाँ पे जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं इसके साथ साथ आप टीचिंग भी कर सकते हैं जबकि साइकोलॉजिस्ट जो है उसका ज्यादातर लेक्चर्स रिसर्च और इसके ऊपर एंड काउंसलिंग के ऊपर है ये दोनों अपनी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं मगर करंट सिनारियों के अंदर यूजुअली इनमें से कोई ना कोई एक साइकेट्रिस्ट के साथ अटैच होता है तो साइकेट्रिस्ट के साथ भी अटैच हो सकते हैं और कुछ मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जो इंडिपेंडेंट कर रही हैं या कर रहे हैं तो अपना अपना काम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं डिपेंड्स कि आप कितने अच्छे कितने कॉम्पिटेंट कहाँ से आपकी ट्रेनिंग हुई है वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं फिर आ, फिजियोथेरेपी है वेरी इंपॉर्टेंट जॉब्स तो शायद हॉस्पिटल ओरिएंटेड जॉब्स आपके पास ज़्यादा होंगी टीचिंग जॉब्स भी हैं आपके पास मगर अगर कहीं आप फिजियोथेरेपी करके स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर अप्लाई करते हैं हॉकी है क्रिकेट है कहीं है तो एक पे भी आपकी हाई हो जाती है और आपके फॉरेन टूर्स भी बड़े आराम से हो जाते हैं आप अटैच हो जाते हैं टीम के साथ आप घूमें फिरें अपना काम करें और उनको स्पोर्ट्स इंजरी से आप बचाएं या स्पोर्ट्स इंजरी किसी को होगी उसकी थेरेपी कर दें या फिजियोथेरेपी कर दें तो ये एक ऐसी फील्ड है कि जो कि अंडर माइंड है मगर इसके अंदर प्रोग्रेशन का रेट ज्यादा है अगर आप प्रॉपर लाइन के ऊपर चले जाएं फिर अगर आप ये सारी जो तीनों चारों चीजें मैंने आपको बताई ये करने के बाद इमिग्रेशन के लिए अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो फॉरन में जॉब का कोई रिसेशन नहीं है एन के अंदर काफी लोग निकाले गए तो काफी वहां पर गैप है तो यूके के अंदर करंट सीनाइरो के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स चाहे वो स्टाफ नर्सेज हों बाय द वे एफ करने के बाद आप स्टाफ नर्स भी बन सकते हैं बन सकती हैं दोनों सूरतों में दोनों जेंडर्स में तो स्टाफ नर्स नंबर वन पे जॉब की डिमांड है उसके बाद आपके डॉक्टर्स आ जाते हैं फिर आपके थेरेपिस्ट आ जाते हैं खास तौर पे फिजियोथेरेपिस्ट क्योंकि कोविड के अंदर जब चेस्ट खराब होती है तो चेस्ट फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है वो खास टेक्निक है तो इन सब चीज़ों की आई के अंदर जरूरत है और जहाँ पर आपको लाइफ सेविंग चीज़ें चाहिए वहाँ पर आप इन सब चीज़ों से ये कर सकते हैं ठीक है जी फूड टेक्नोलॉजी की जो बात की है फूड टेक्नोलॉजी के अंदर आप अगर कर लेते हैं तो बेकरीज हैं आपके पास अच्छी अच्छी बेकरीज हैं, वहां अप्लाई कर सकते हैं आप जॉब के लिए इसके अलावा आप अपनी बेकरी खोल के चीजें कर सकते हैं इसके अलावा आप टीचिंग सेक्टर के अंदर भी आ सकते हैं ठीक है मोरलेस जो बड़ी बड़ी पांच छह फील्ड्स थी वो यही थी